देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर संगम नगरी प्रयागराज में परंपरागत तौर पर इस बार भी दीपदान महायज्ञ एवं कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जूना अखाड़े के मौजगिरी घाट पर 125,000 दीप जलाए गए। इसके अलावा मां यमुना की भव्य आरती और आतिशबाजी भी की गई। एक साथ हजारों दीप जलने से यमुना नदी और उसका मौजगिरी घाट दूधिया रोशनी से नहा उठा। दीपों की रोशनी में वहां का नजारा ऐसा लग रहा था मानो एक साथ हजारों सितारे आसमान से उतरकर जमीन पर टिमटिमा रहे हैं। इस मौके पर सर्व कल्याण के साथ ही देश और दुनिया में शांति व खुशहाली होने की खास तौर पर प्रार्थना की गई। महोत्सव व महायज्ञ में सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद संत महात्माओं व श्रद्धालुओं ने मां यमुना की विशेष आरती भी की। दीपदान के लिए यमुना की धारा में एक दर्जन से ज्यादा नावों का विशेष इंतजाम किया गया था। इस दौरान जिसने भी यह नजारा देखा वो बस देखता ही रह गया। ऐसा है, बहुत छोटा घाट हुआ करता था और सिद्ध बाबा मौजगिरी का यहाँ स्थान है। वो हम लोगों ने जूना अखाड़े ने बहुत मेहनत मशक्कत करके इसको मौजगिरी घाट घोषित कराया। उसके बाद जूना अखाड़े ने यहाँ विस्तार किया। उसके बाद धीरे धीरे जमुना जी महारानी की कुछ कृपा ऐसी हुई कि इसका धीरे धीरे हमारे मोहल्ले के बालू मंडी के लोग हैं और भी सारे लोग इसमें तन मन धन से लगने लगे और उसके बाद उन्होंने इसको चार चांद लगा दिए। अब इसका मुख्य लक्ष्य विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा। दीपोत्सव हो रहा है, सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपना अपना एक दीपक भी जलाते हैं। तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि भारत देश खुशहाल हो। हमारा दीपोत्सव मतलब कालिंदी माता की पूजा हम लोग कर रहे हैं, आज उनका दिन है, पर्व है, इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और यही संदेश माता जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख मां भाग विधेहि। कालिंदी माता हमारे भारत के व विश्व के सभी सुख समृद्ध प्राप्त हो और सबको शुभकामना दे। माता जी का आज यही पर्व दिन हम लोग मनाते हैं। क्या क्या हुआ यहाँ? हाँ जी, आज क्या क्या किया गया यहाँ? आज यहाँ पर हमारे मंडी वालों ने जमुना जी की पूजा की, फिर और भी लोगों ने जो है वहाँ जमुना जी की पूजा की, दीपोत्सव हुआ और अभी ऊपर भंडारा भी सब चलेगा। यानी कई कार्यक्रम यहाँ आज चलते ही रहे और चलते रहेंगे हमेशा। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के प्रमुख संतों के संरक्षण वाली संस्था श्री दत्तात्रेय सेवा समिति की तरफ से किया गया था। दीपदान महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव में जूना अखाड़े के सभापति श्री महंत प्रेमगिरी महाराज समेत तमाम दूसरे अखाड़ों के संत महात्मा मौजूद थे। गाय राम गुण गन विलम भवर तरह बिने प्रयास के संसार से इंसान प्राप्त हो जाता है। और ये सोचना हम लोग परमात्मा को भुला रहे, हम लोग किस लिए आए थे वो हम सब भूल रहे हैं। ये संसार तो कार्य है, जरूरी है, लेकिन एक समय हमें ऐसे इसलिए आए थे कि कुछ अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम लोग झूठ कपड़ में पड़े हुए। कृष्ण प्यारे को तूने देखा नहीं, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे कृष्ण। 24 घंटे परमात्मा हर जगह खाओ कर्म सब में व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं जो परमात्मा नहीं। इस बार के आयोजन में मौजूद साधु संतों और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के 22 जनवरी को होने जा रहे लोकार्पण एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी जताई गई और कहा गया कि सनातन धर्मियों के लिए ये पल इसलिए अद्भुत और अलौकिक होगा क्योंकि रामलला तकरीबन 500 सालों के बाद फिर से अपने घर में विराजमान होंगे और दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त आसानी से उनका दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर हाल के दिनों में दुनिया में कई जगहों हुए आतंकी हमले की निंदा की गई और समूचे विश्व में शांति व भाईचारा कायम रहने की प्रार्थना खास तौर पर की गई। समारोह में उत्तराखंड की टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए भी प्रार्थना की गई। दीपदान महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव का शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस मंजू रानी चौहान ने दीप जलाकर किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पंच दशनाम नाम जूना अखाड़े के सभापति श्रीमंत प्रेमगिरी जी महाराज ने की। कार्यक्रम का कुशल संचालन और अतिथियों का स्वागत श्री दत्तात्रेय सेवा समिति के संयोजक पत्रकार धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने किया। महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक आशुतोष श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों ने भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
माँ गंगा, माँ यमुना व अन्य को समर्पित भजनों ने महोत्सव में मौजूद साधु संतों व श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव में जूना अखाड़े के सचिव महंत चैतन्य पुरी महाराज, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए महंत शिवानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के प्रबंधक हरी शंकर गिरी महाराज, तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर रवि शंकर जी महाराज, किन्ना अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी, जूना अखाड़े की मातृ शक्ति गंगा गिरी, यमुना गिरी और सरस्वती गिरी भी खास तौर पर मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ केसर भवन स्थित वेद विद्यालय के वेदपाठी बटुकों के वेद मंत्रों के साथ हुआ। समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मुख्य अतिथि जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि संतों और गुरुओं में साक्षात भगवान वास करते हैं। संतों के उपदेशों का पालन कर और उनके जैसा आचरण कर ही देश और समाज को समृद्धशाली और शांत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संत स्वभाव के योगी पुरुष हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले संत और बाद में मुख्यमंत्री हैं। अगर उच्च पदों पर बैठे सभी लोग संतों जैसा आचरण करने लगे तो भारत को एक बार फिर से विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि इस बड़े लक्ष्य के लिए सामाजिक समरसता बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज को वर्गों में बांटकर और छोटे बड़े का भेद कर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देवोत्थान एकादशी का सनातन धर्म में खासा महत्व है। इस मौके पर भगवान विष्णु न सिर्फ फिर से निद्रा से जग जाते हैं, बल्कि चातुर्मास का समापन हो जाता है और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। श्री दत्तात्रेय सेवा समिति देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर हर साल जूना अखाड़े के मौजगिरी पर दीपदान महायज्ञ व कालिंदी महोत्सव का आयोजन करती है। इस मौके पर प्रयागराज पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।